हेलो एवरीवन लिंक देखो पोस्टेड है तो लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ क्विकली लिंक के ऊपर क्लिक कर लो चैट बॉक्स में लिंक है लिंक के ऊपर फटाफट ज्वाइन हो जाओ सभी लोग लिंक देखो मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है क्विकली चलिए लेट स्टार्ट तो आज देखते हैं हम लोग एरियल फ़ोटोग्राफी एरियल फ़ोटोग्राफी में ऐसा uh, है कि एक ऊपर से लाइक सर्वे होता है कि जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए प्लेन्स हो गए तो एक एरियल एक सर्वे होगा आर्कियोलॉजिकल साइट का जिससे आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प हो जाती है यहाँ पर काफ़ी कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट साइट में वहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन मौजूद है एक एरियल फ़ोटोग्राफी अपने को हेल्प करती है कि कितना नेचर ऑफ़ टाउनशिप है और उसके बाद में हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसको लाइक ये जो प्लान है ये पूरा ठीक है हमको कहाँ कहाँ पर एक्सकर्बेशन करना है वी कैन प्लान इट आउट और हरप्पा मोहनजोदारो शिशुपालगढ़ ये कुछ ऐसे ही इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ठीक है आगे देखेंगे एक्सप्लोरर इज़ रिक्वायर्ड टू टेक विद हिम द फॉलोइंग मटीरियल्स तो उसके साथ में क्या क्या लेके जाने की उसको ज़रूरत होती है नैप्सैक कैरिंग फॉलोइंग आइटम्स पोट्री बैग्स मेटअप ऑफ क्लोथ ठीक है मतलब ये सब कुछ ऐसे सामान है कि जो उसको लेके जाना होता है ताकि वो अपना एक्सप्लोरेशन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कर सके पोट्री बैग्स अगर कुछ मिलती है तो उसके साथ में अपने साथ में रख सकता है एंटीक्विटी पैकेट्स और पॉलीथीन बैग्स ओके बीड्स बैंगल्स टेराकोटा फिगर्स मेजरमेंट टेप अब ऐसा है कि उसको टेलरिंग तो करना नहीं है वहाँ पर लेकिन ये सारी चीज़ें लेके जाना कंपल्सरिली है वहाँ पर उसको मेजरमेंट लेना पड़ सकता है कोई भी चीज़ का दूसरा एक्सकवेशन नाइस फॉर स्क्रैपिंग द लेयर ठीक है पॉकेट कंपस फॉर एसेटिन द डायरेक्शन नॉर्थ ठीक है उसके बाद में ईस्ट हो गया वेस्ट हो गया साउथ हो गया हैंडी कैमरा होना चाहिए फोटोग्राफिक मटेरियल के लिए नोटबुक्स पेन पेंसिल ड्राइंग शीट्स ज्योमेट्री फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत है वही वहीकल इज अवेलेबल कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वहीकल वगैरह भी यहाँ पर साथ में होना चाहिए उसके ठीक है तो यहाँ पर ये सारे कुछ ऐसे सामान हैं कि उसको साथ में लेके जाना बहुत ही कंपलसरीली जरूरी है बिसाइड्स दीज एसेंशियल इक्विपमेंट्स जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है सी द लिंक इन द चैट बॉक्स एंड ज्वाइन फास्ट बिसाइड्स essential एसेंशियल इक्विपमेंट्स द is इज expected एक्सपेक्टेड टू हैव additional material. तो यहाँ पर कुछ उसको एडिशनल मटेरियल यहाँ पर लेके जाना पड़ता है जैसे आ, टू द नेचर ऑफ इज फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोर एज टू स्टडी इंस्क्रिप्शन ठीक है तो अपने साथ में वो किट लेकर जाएगा एस्टैम्प पेजेस जो एस्टैम्प पेजेस होते हैं इंस्क्रिप्शन के उसके आजकल एक अच्छा खासा डिवाइस निकल गया है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोन मैग्नेटोमीटर तो प्री हिस्टोरिक साइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो तो प्री हिस्टोरिक साइट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर ठीक है मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पर कर दिया प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर को तो ऐसे टाइप में जो एक्सप्लोरेशन है तो वो सक्सेसफुली यहाँ पर लेड आउट हो जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है ये आर्कियोलॉजी का ताकि जो एक प्लेस है तो उसको पहले सबसे पहले स्टडी करना है और एक्सप्लोरेशन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं आर्कियोलॉजी विदाउट डिगिंग ठीक है आर्कियोलॉजी विदाउट डिगिंग इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चलिए यहाँ पर देखेंगे एक्सकवेशन क्या है देखो एक्सप्लोरेशन मतलब सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना था ठीक है उसको सिर्फ एक्सप्लोर करना था और वहाँ पर ऐसे कोई खुदाई नहीं करनी थी ऐसे कोई डिगिंग नहीं करना था और एक्सकवेशन कैसे आएगा कि ये कम्प्लीट यहाँ पर आप ऐसे पिक देख सकते हो इसका इमेज जो हो गया तो यहाँ पर ये एक्सकवेशन हो रहा है और एक्सकवेशन के बाद में ये कैरिड आउट जो भी मटीरियल है यहाँ से वहाँ पर उसको लेके जा रहे हैं चलो तो ये कालीबंगन का इमेज है और यह कालीबंगन कहाँ पर पड़ेगा राजस्थान में पड़ेगा इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कालीबंगन को हम लोग ब्लैक बैंगल भी कहते हैं जैसे उसका इंग्लिश में जो नाम होता है हम लोग इसे कन्वर्जन करके अगर बोलते हैं तो ब्लैक बेंगल भी कहा जाता है उसे ठीक है चलिए आगे देखेंगे एक पूरा एक्सप्लोरेशन के बारे में आर्कियोलॉजिकल साइट के जनरली एक्सकवेशन इज़ अंडरटेकन जितनी भी जो एक्सप्लोर्ड साइट्स होती हैं वो उसको एक्सकवेट नहीं किया जाता बिकॉज एक्सकवेशन जो है एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ठीक है और एक्सकवेशन जो है वो पूरे के पूरे साइट का नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम ह्यूमन एनर्जी लगती है पैसा लगता है तो इसके लिए हम एक सिलेक्टेड पार्ट लेते हैं साइट का जिसको हम लोग पहले एक्सकवेट करते हैं ओके जिसको हम लोग पहले एक्सकवेट करते हैं चलो लिटरल मीनिंग ऑफ द एक्सकवेशन इज डिगिंग ठीक है तो एक्सकवेशन का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है डिगिंग इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिगिंग विच इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल नॉर्म्स ऐसे नहीं कि आपने कोई ऐसे कुदाल फावड़ा ले लिया और उसके बाद में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट है तो उसका ये एरिया हॉरिजॉन्टल मेथड से होगा वर्टिकल से होगा किससे होगा तो उसको अपने को डिगिंग करना है ठीक है अब एक्सकवेशन जो है यहाँ पर तो पांच मेन कैटेगरीज में होती है एक तो होता है ट्रायल ट्रेंच वर्टिकल एक्सकवेशन देखो वर्टिकल ऐसे होगा हॉरीजोंटल जो है वो ऐसे होगा मतलब एक ज़मीन है तो हॉरीजोंटल हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर एक्सकवेशन करेंगे वर्टिकल मतलब डीप ओके ओपन स्ट्रिपिंग सिस्टम और उसके बाद में क्वाड्रेंट मेथड तो ये पांच मेथड्स हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे भी पांच मेथड्स को चलो ट्रायल ट्रेंच की बात करते हैं तो ट्रायल ट्रेंच इट मीन्स अ ट्रायल डिगिंग ठीक है उसको हम लोग कहते हैं ट्रायल डिगिंग करना एक हाँ ट्रायल डिगिंग बिफोर अंडरटेकिंग स्केल एक्सकवे लार्ज स्केल एक्सकवेशन मतलब ज़्यादा बड़ा एक्सकवेशन करने से पहले अपने को एक ट्रायल बेसिस पे बिकॉज एक्सकवेशन जो है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ठीक है और ट्रायल ट्रेंच आल्सो हेल्प्स टू नो वेदर साइट इज डिस्टर्ब्ड और इंटैक्ट तो हम ट्रायल ट्रेंच से पता कर सकते हैं कि पहले उसको कोई साइट को प्रॉब्लम आई है अगर डिस्टरबेंस अगर अपने को दिखता है ट्रायल ट्रेंच के अंदर जो हम करते हैं ट्रायल ट्रेंच क्यों होता है बिकॉज कोई एक्सपेंसिस ज़्यादा हमको ना बैठे ठीक है तो हम लोग साइट को जो है इट इज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर द लार्ज स्केल एक्सकबिशन मैंने कल ही बताया था कि जो एक अनडिसटर्ब्ड अगर माउंड होता है तो अगर अनडिस्टर्ब्ड माउंड होगा तो वो ज़्यादा अपने लिए फीजिबल होगा ठीक है जो एक टीला होता है जो अनडिस्टर्ब्ड अगर माउंट होता है तो अपने लिए ज्यादा फिजेबल होगा वो एज कम्पेयर टू द डिस्टर्ब्ड माउंट तो अनडिस्टर्ब्ड माउंट पे अपने को सीक्वेंस में वो चीजें मिलते रहेंगी प्रॉपरली ठीक है अब यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्रायल ट्रेंच कैन बी रिगार्डेड एज एन एक्टिव कनेक्टेड विद द एक्सप्लोरेशन बट समटाइम्स इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल एक्सकवेशन तो कभी कभी कैसा है कि हम लोग ट्रायल ट्रेंच तो करते हैं लेकिन ट्रायल ट्रेंच है ना बाद में कभी कभी ये हमारा एक्चुअल एक्सकवेशन का भी एक पार्ट बन जाता है ओके एक्चुअल एक्सकर्वेशन बोलोगे तो जो हम एक्चुअल में एक्सकवेशन करने वाले हैं जो हम एक्चुअल में खुदाई या डिगिंग करने वाले हैं तो एक पार्ट हमारे लिए बन जाता है और अगर देखोगे कुछ टाइम पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने एक नाला सोपारा नाला सोपारा लाइक अपने यहाँ पर मुंबई में ही पड़ेगा वो और बॉम्बे के अंदर सोपारा वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोर्ट्स ऑफ द एंशेंट इंडिया एक जमाने में एक बंदरगाह हुआ करता था बहुत सारी इंडियन कमोडिटीज़ यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज लाइक जैसे यहाँ से महाराष्ट्र से इस तरफ की जो कंट्रीज होती हैं अरेबियन गल्फ वगैरह तो इस तरफ जाया करती थी लेकिन यहाँ पर ड्यू टू ऐशानिक चेंज नो सोपारा हैड बिकम अ लैंड लॉक प्लेस तो यहाँ पर इस सी की वजह से लाइक ओशियनिक uh, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होने के वजह से यहाँ पर जो है सोपारा एक लैंडलॉक प्लेस बन जाता है बहुत ही कम उसके बारे में पता है सोपारा के बारे में ओके okay? अशोकन इंस्क्रिप्शन वहाँ पर मिले हैं अपने को और अकॉर्ड्स टू द लोकल ट्रेडिशन नोन एज द बंदर पट्टी तो उसको बंदरपट्टी भी कहा गया है ट्रायल ट्रेंच यहाँ पर इस लोकेलिटी के अंदर पहले डिग आउट किया गया था अब यहाँ पर अगर ट्रायल ट्रेंच अगर अपने को अच्छा रिजल्ट देता है तब उसके बाद में हम लोग आगे एक्सकवेशन करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे ठीक है ट्रायल ट्रेंच एक, एक एक्सपेरिमेंटल डिगिंग है हाउ एवर इट इज नॉट अंडरटेकिंग बिफोर ईच एंड एवरी एक्सकवेशन। तो कभी कभी नेचर और उसकी पोटेंशियलिटी जो रहती है साइट की तो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन से जज की जाती है मतलब एक पर्टिकुलर साइट है तो अगर अपन ने एक ट्रायल ट्रेंच वहाँ पर अगर खुदाई की और एक ऐसे ट्रेंच बना दिया ऐसे खंदक वगैरह खोद दी तो उस टाइम पर कभी कैसा है कि ट्रायल ट्रेंच जो है अपने को बहुत सारे उस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो हम आगे जो है उसके बारे में कैसे अपने को डिगिंग करना चाहिए तो वो प्रोसेस अपना आगे बढ़ता है वर्टिकल एक्सकर्वेशन की अगर बात करोगे तो वर्टिकल एक्सकर्वेशन कैसे होता है देखो वर्टिकल एक्सकर्वेशन लाइक दिस ओके तो इट मीन्स डिगिंग ऑफ द साइड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम तो टॉप टू बॉटम मतलब ये लेयर है अर्थ का यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं और उसके बाद में यहाँ से लेकर डीप डिगिंग करना तो वर्टिकल एक्सकर्वेशन्स में डिफरेंट ट्रेंचेस मतलब अलग अलग टाइप की खंडक जो है वो खोदी जाती है तो इन सच एक्सक लेयर्स होते हैं कल्चरल डिपोजिट का मतलब जितना आप इस जमीन के नीचे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग ऐसे लेयर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे कहीं पे वाइट अपना वाइट लेयर यहाँ पे ऐसे अगर लास्ट में आपको पानी दिखा तो वहीं पर आर्कियोलॉजी का जो एक्सकवेशन है वो रोक दिया जाता है और उसके बाद में अपने को इतने स्टेजेस के पता नहीं चल पाते तो वर्टिकल एक्सकवेशन जो है यहाँ पर अर्लीस्ट बिगनिंग ऑफ दैट सेटलमेंट मतलब कितने ज़माने से पुराना है तो जनरली अ सेटलमेंट इज़ मेड ऑन अ ब्लैक और नेचुरल सॉइल तो जब तक के यहाँ पे नेचुरल सॉइल उसका एक्सपोज नहीं नहीं हो जाता तो जब तक के हम उसको यहाँ पर डिगिंग करते रहते हैं और यहाँ पे हम पूरी होल हिस्ट्री उस माउंट से पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया की क्या है अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वर्टिकल लेयर्स जो है वो डेट्स बताते हैं अलग अलग सेटलमेंट्स का जितना आप ज़मीन के नीचे जाते जाओगे ठीक है तो उतना आप पुराने होते जाओगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 थाउजेंड ले लेते हैं यहाँ पर थ्री थाउजेंड बी सी ले लेते हैं यहाँ पर फाइव थाउजेंड बी सी ले लेते हैं तो इतना आप ऐसे पुराने होते चले जाओगे वहां पे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्राइटेरिया ऑन द नंबर जोदारो वॉज टेकन एज अ बेस ठीक है एक बेस बनाया गया और उसके बाद में उसको फिक्स किया गया कि भाई कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बेसिस हो सकते हैं तो सेवंथ लेयर कल्चरल डिपोजिट वहां पर मिले थे मोहन में अब सेवेंथ लेयर की जब डीप डिगिंग हम लोगों ने किया तो वहां पर से पानी आ गया जैसे मैंने बताया अभी आपको जनरली इट इज बिलीव दिक्वर्सो साल ऐसे बताया जाता है तो एक जो यहाँ पर लेयर है तो वैसे सात लेयर लगी मतलब सेवन फाइव थर्टी फाइव तो इसी के लिए इंडस वैली का जो हम लोग डेट है वो फिक्स करते हैं कितना देखो यहाँ पर वो डेट आ ही गई थर्टी फाइव हंड्रेड से ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बी सी तो एक लेयर को पाँच सौ साल का हम लोगों ने ऐसा एक टाइम पीरियड दिया है वर्टिकल एक्सकवेशन एट द एंशंट साइट ऑफ उज्जैन ये देखो पिक है इसको देख लो तो ये टॉप टू बॉटम ऐसे ये एक तो अलग अलग लेयर्स यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे अलग कलर यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग ये लोग ने डीप डिगिंग किया है ठीक है चलो तो व्हेन द डिगिंग ऑफ द वर्टिकल ट्रेंचेस इन प्रोग्रेस तो आउटकम्स ऑफ द एक्सकवेशन आर रिकॉर्डेड बहुत अच्छे से उसको केयरफुली जो उसका आउटकम्स है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और जो भी चीज़ें अपने को मिलती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं ओके यहाँ पर जैसे बीड्स हो गए बैंगल्स ऑर्नामेंट्स जो भी चीज़ें हो गई उसको कलेक्ट करने के बाद में जितने अलग अलग लेयर से वो फाउंड आउट हुआ है तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती है एक्सकवेशन की वर्टिकल ट्रेंच में जो एक्सकवेटर होता है जो लाइक like डिगिंग करने वाले जो होते हैं ठीक है थीके? वहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शंस रिंग वेल्स पेमेंट एट्सेट्रा अगर ऐसे कुछ अगर वॉल वगैरह आता है तो वर्टिकल ट्रेंच के बार बाद में जैसे एक उसके बाद में एक अलग सी खंडक खोदी जाती है ठीक है पता करने के लिए कि भाई वो एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या नहीं तो आप अगर डीप डिगिंग करते जाओगे और वो चीज़ अगर आपके सामने पड़ गई समझ लीजिए कि एक कुआं था तो उसको आप तोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है अगर कोई चीज़ रास्ते में पड़ जाती है तो वो ट्रेंच के बाजू में एक दूसरी ट्रेंच खो जाएगी फिर तो वर्टिकल एक्सकवेशन इज ऑल्सो नज द ट्राएंगुलर ट्रेंच सिस्टम मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा तो ये ट्रांगुलर अपना सॉरी रेक्टेंगुलर ऐसे ट्रेंच सिस्टम है तो हम लोग ऐसे टॉप टू बॉटम ऐसे जाते हैं तो ट्रेंच आर टेकन रेक्टेंगुलर साइज ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल हो जाता है जब यहां पर एरिया टू बी डग आउट स्मॉल एंड वेन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ दी कल्चर्स मतलब अपने को पता करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगले पाँच हजार साल में क्या हुआ है और जो एरिया है बहुत ही छोटा है अपने पास तो ऐसे एक्सकवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल हो जाते हैं तो ये जो मेथड है इसको हरप्पा मोहन में यूज़ किया गया था ओके टू क्रिएट एंड एस्टेब्लिश अ स्ट्रेटिग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ द सिमेट्रीज विच वर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ईच अदर ठीक है तो वर्टिकल मेथड ऑफ द एक्सकवेशन इसको एम्प्लॉय किया गया था यहाँ पर तेर ओस्मानाबाद जो रीजन है मतलब ओस्मानाबाद यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ेगा तो अर्ली सेंचुरीज ऑफ़ द क्रिश्चियन रैट तेर नोन एज द तगारा तो मतलब तेर को स्टार्टिंग में जो अर्ली एडीज वगैरह है ठीक है अभी हम लोग 2021 एडी में जी रहे हैं तो तेर को पहले तगारा इसको ऐसे बोला करते थे एक फ्लरिशिंग सेंटर था ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ का डेक्कन रीजन के अंदर और ये जो प्लेस है उसको यहाँ पर एंशंट ग्रीस लिटरेचर वगैरह में उसको मेंशन भी किया गया है और वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द इंडिया वो टाइम पर तो डिस्ट्रक्शन इसका ये जो है सिटी वो तबाह हो गया डिस्ट्रक्ट हो गया उसके पीछे रीजन क्या है जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्टिकल ट्रेंचेस वगैरह डिग आउट किए गए तो यहाँ पर ओल्ड टाउनशिप अपने को दिखाई देती है ओके okay? तो यहाँ पर अपने को बहुत सारी जली हुई चीजें मिली है तो ये बताया दा ये बताया जाता है कि लाइक हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी कोई आग लग गई हो जिसके वजह से ये जो सिटी है डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यू टू द एंड ऑफ द सातवाना पीरियड सातवाना जो है वो डेक्कन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे जिसको हम लोग आंध्राकाश भी कहीं कहीं पर लेकिन इसके ऊपर भी डिस्प्यूटेड है कि उनको आंध्राकाज कहा गया है कि नहीं कहा गया है चलिए हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन जैसे अबाव दी सरफेस डीप होगा लेकिन ऊपर ऊपर भी होगा पहले और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे डीप जाते जाएंगे वो अब इसके अंदर कैसे होता है कि दो मोड यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं ग्रिड सिस्टम देखो मोबाइल के अंदर आपके आपके ऐसे एक सिस्टम होता होगा जैसे ऐसे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 ठीक है लाइक like दिस ऐसे एप्स होते हैं तो उसको हम लोग ग्रिड सिस्टम कहते हैं तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ से स्क्वायर बना लेते हैं और उसके बाद में फिर उसकी डिगिंग की जाती है और टू द लोवेस्ट अकॉर्डिंग टू द अदर मोड द कंप्लीट एरिया ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन इज एक्सकवेटेड हॉरीजनटली विदाउट द एड ऑफ द स्क्वायर ट्रेंचेस मतलब एक जगह तो हम लोगों ने ऐसे स्क्वायर वगैरह वो चीज़ें बना दी ठीक है ऐसे ऐसे हम लोगों ने स्क्वायर वाली चीज़ें बना दी ये हो गया और एक दूसरा मेथड ये भी है कि हम लोगों ने जो है डायरेक्टली उस चीज़ को एक ऐसे प्लेस ले लिया और उसके ऊपर हॉरिज़ॉन्टली हम लोगों ने उसको एक्सकवेट करना चालू कर दिया अब यहाँ पर ये जो एक्सकवेशन है अगर एनशेंट सिटी तो हम लोग इसको एक्सकवेट करते ही हैं तो एक्सटेंट ऑफ एन एनशियन सिटी और कंटिन्यूएशन लाइन ऑफ द फोर्टिफिकेशन वॉल अब अगर अपने को फॉर एग्जांपल एक एरिया है और इस एरिया के अंदर अपने को ऐसी कुछ फोर्टिफिकेशन ऐसे वॉल वगैरह ऐसे दिखाई दे दिया ठीक है तो अपने को यहाँ पर जो है वो उस एरिया को पता करना है कि हाँ इस एरिया लाइक ये कितना बड़ा एरिया है ओके तो ये जो एक्सकवेशन जो है ना ये काम में आएगा अपने यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम है तो हेल्प्स टू ट्रेस एक्यूरेटली एनी पॉइंट और सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू द साउथ नॉर्थ साउथ एक्सिस तो ये जो ऊपर जो सरफेस वाला है अगर अपने को कोई चीज़ मिली तो एरिया कितना बड़ा है तो वो चीज़ में अपने को हॉरीजोंटल एक्सकर्वेशन जो है बहुत काम में आता है तो हॉरीजोंटल एक्सकवेशन एक्सकर्वेटर इन कॉलिटिंग द स्ट्रेटिग्राफी फ्राम डिफरेंट पॉइंट ऑफ साइट्स चलो तो दिस इज़ रिगार्डेड एज अ वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल मेथड जब अपने को बड़ा एरिया यूज़ करना होता है तो छोटे एरिया के लिए छोटे एरिया के लिए अपने को वर्टिकल और बड़े एरिया के लिए अपने को हॉरीजोंटल ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है चलो सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स टू डे ड्रॉ टेंटेटिव ग्राउंड ग्राउंड प्लान ऑफ द टाउनशिप तो यहाँ पर हरप्पा के अंदर हम लोगों ने वर्टिकल मेथड भी पहले यूज़ किया मोहनजोदारो के अंदर हरप्पा के अंदर और उसके बाद में यहाँ पर हॉरीजोंटल मेथड भी यूज़ किया उसके बाद में देवगिरी जो कैपिटल ऑफ यादव आज है जो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखा तो ये जो सिटी uh, है उसको भी एक्सकवेट करने के लिए हम लोगों ने ये सारे काम किए चलो ओपन स्ट्रिपिंग ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक ही मेथड यूज करोगे मोर देन वन मेथड कैन बी बी आल्सो आल्सो बी एम्प्लॉयड ओके ओपन स्ट्रिपिंग मेथड की बात करते हैं तो थ्री मेन मेथड्स एक्सक्रबेशन आर डिस्क्राइब अबाउ ऊपर देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे एक दूसरा मेथड इसको हम लोग कहते हैं ओपन स्ट्रिपिंग इसके अंदर कैसा है कि ईच लेयर ऑफ द एक्सक्रबेशन इज स्टडीड इंडिविजुअली एंड क्लियर कम्पलीटली मतलब एक पर्टिकुलर एक लेयर लिया जाता है जैसे एक लेयर हम लोग ने देखा कि उसको हम लोग पाँच सौ साल ऐसे ज़रूरी नहीं है तो एक पर्टिकुलर लेयर को एक लिया जाता है और उसको हम लोग कम्प्लीटली स्टडी करते हैं मतलब कुछ आ, एरिया हम लोग थोड़ा सा डीप डिगिंग करते हैं और उसको हम लोग कम्प्लीटली उसके बाद में उसको निकाल फेंकते हैं उस एरिया को और जब ये लार्ज एरियाज़ को अगर कम से कम टाइम में अगर अपने को कवर करना होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कम से कम समय में लार्ज एरिया इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग चलो क्वाड्रेंट मेथड की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट मेथड एक अलग दूसरा मेथड है जो यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है ठीक है हाँ कि अपने को लाइक like कैसे करना है तो क्वाड्रेंट मेथड के अंदर जो एक्सकावेटर है ओके ये जो एक्सकावेटिंग एक सेकेंड यहाँ पर जिस लोगों ने भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो फटाफट वो लिंक में जा करके ज्वाइन द मीटिंग फास्ट लिंक हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड इन द चैट चैट बॉक्स बॉक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया सिर्फ 11 है सिर्फ ग्यारह लोग ही हैं ग्यारह लोगों का अटेंडेंस ही लगेगा चलो अनदर मेथड ऑफ एक्सकवेशन टर्म क्वाड्रेंट मेथड तो क्वाड्रेंट मेथड की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये एक बहुत ही एक्सकवेटिंग मतलब यूज फॉर एक्सकवेटिंग सर्कुलर माउंड सच एज बैरो तो मतलब अगर एक सर्कुलर अगर टीला होगा तो उसको यहाँ पर जैसे मेगालिथिक केन कल्चर तो मेगालिथिक वगैरह में कैसे होता है कैसे सर्कुलर ऐसे स्टोन्स वगैरह होते हैं उसके बाद में ऐसे बीच में ऐसे लाइक माउंड वगैरह हो गया या तो ऐसे उनके बीच में टोंब हो जाता है ठीक है तो मेगालिथिक जो कल्चर है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा फॉलो किया गया है दिस मेथड इंट्रोड्यूस इन इंट्रोड इंडिया बाय द व्हीलर तो ये व्हीलर कौन है मोटीमल व्हीलर ओके मोटिमल व्हीलर टू एक्सकेट मेगालिथिक बरियल्स तो मेगालिथिक बरियल्स के लिए क्वाड्रेंट मेथड है अब दिस मेथड इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व इंटैक्ट द एक्सपोजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूपा तो स्टूपा कैसे होता है कि जो गौतम बुद्धा के रिमेंस के ऊपर जो चीज़ें बनाई गई तो उसको हम लोग स्टूपा कहते हैं तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में होता है ऐसे हो गया ऊपर से आपने सांची स्टूपा को देखा होगा ऐसे कुछ उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रखी होती है तो ये स्टूपा तो ये जो क्वाड्रेंट मेथड है तो पहले इतना एक्सकवेट किया फिर ये ऐसे चीज़ें सामने आई तो सर्कुलर ऐसे चीज़ें बाहर निकलती गई ओके तो एंशंट स्टूपाज यहाँ से बहुत सारे क्वाड्रेंट मेथड से निकले हैं अगर एम सी क्यू हुआ तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच मेथड हैज़ बीन यूज फॉर एक्सकवेटिंग द स्टूपा तो नेसेसरी स्टाफ और इक्विपमेंट्स यहाँ पर एक्सकवेशन के लिए होना चाहिए छः से आठ महीने का लगातार एक कैंप होता है वहाँ पर वो लोग कैंपिंग करते हैं देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ से मिल सकती है ओके okay? और डायरेक्टर होता है जो डायरेक्टर होता है वो चीफ ऑफ द एक्सकवेशन वर्क होता है यहाँ पर उसके बोलने से ही सारा काम होगा ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है अपने एक्सकवेशन के नॉलेज में असिस्टेंट डायरेक्टर ओके नेक्स्ट टू डायरेक्टर उसके बाद में टेकिंग चार्ज ऑफ द एक्सकवेशन कैंप इन द दबसेंस ऑफ द डायरेक्टर अगर कोई नहीं रहा तो फिर वहाँ पर वो चार्ज ले लेगा और टेक्निकल असिस्टेंट्स यहाँ पर जो है उसको ट्रेंड करते हैं अपने आप को जूनियर आर्क्योलॉजिस्ट सॉरी दिज आर द ट्रेंड जूनियर आर्क्योलॉजिस्ट ईच ट्रेंड ट्रेंच इजा असाइन टू एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल असिस्टेंट मतलब अगर कोई भी अगर छोटा छोटा अगर ट्रेंच अगर वहाँ पर अगर किया ठीक है तो वो ट्रेंच जो होता है जैसे अभी हम लोगों ने छोटे छोटे ऐसे ट्रेंचेस बना लिए ओके तो ये जो ईच ट्रेंच है ना तो वहाँ पर अलग अलग टेक्निकल असिस्टेंट्स को दिए जाते हैं साइट सुपरवाइजर्स और ट्रेंच रिकॉर्डर्स तो उनकी ड्यूटी ये होती है कि वह वहाँ पर अगर कुछ भी अगर मिलता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाए पोट्री असिस्टेंट तो जो भी पोट्रीज मिलती है तो वो उसका असिस्टेंट होगा क्यूरेटर का एंटिक असिस्टेंट्स कोई एक्सेप्ट पोट्री जो भी दूसरी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर तो उसको सारा यहाँ पर एंटिक असिस्टेंट देखेगा फोटोग्राफर तो ऑब्वियसली फोटोग्राफ से रिलेटेड है सर्वेयर तो सर्वेयर का काम का का क्या होता है कि पूरे एरिया जो होता है तो एरिया को पूरा वो सर्वे करना कि क्या कहाँ पर हिल्स कहाँ पर है रिवर्स कहाँ पर है, है? कहाँ पर माउंटेंस है ठीक है कहाँ पर वेजिटेशन है क्या चीजें मिल रही है ड्राफ्ट्स में नहीं ये होता है कि सर्वेयर को असिस्ट करेगा यहाँ पर एंड ऑल्सो द पोट्री एंड द स्ट्रक्चर्स मार्क्स में नहीं ये होता है कि पेग्स ऑन द आउट ऑफ द ट्रेंचेस एंड ऑल्सो मार्क्स दॉशर्ट्स फोरमैन का काम क्या होता है कि स्टोर कीपर मतलब स्टॉक रजिस्टर रखना कि कौन काम पे आता है कौन काम पे नहीं आता है अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स क्योंकि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर सिर्फ गाइडेंस देगा काम तो वर्कर्स को ही करना होता है फील्ड केमिस्ट के बारे में अगर देखोगे तो उसका मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर जो बाहर निकले होते हैं तो उसको वहाँ पर क्लीन करना है केमिकल से तो यहाँ पर केमिस्ट्री भी काम में आ रही है लेबरर्स तो ऑब्वियसली अनट्रेंड लोकल वेजेस वेजे अपना लेबरर्स होते हैं उनका काम बताया जाता है कि आपको ऐसे डिगिंग करना है तो उनको ट्रेनिंग मिलती है तो उस हिसाब से वो लोग डिगिंग करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो टेंट्स हो गया कॉट्स हो गए उसके बाद में कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए रहना भी पड़ता है वहाँ पे उनको मटेरियल फॉर द कैंप फॉर द टूल्स ऑफ द एक्सकरवेशन इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ पर आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरी टोटली फंडिंग मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं मेथड्स ऑफ डेटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीक्विटीज़ ठीक है चलिए तो मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ ओके okay, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में